Now come to the next example. Which of the following CPU scheduling algorithm results minimum average waiting time? Options are FCFS, non-preemptive priority, SJF, and RR2 round robin with time quantum 2. Assume all arrived at time 0 and ties are broken with process ID in each scheduling algo. Lower ID, higher preference. Okay, ठीक है. Now, अब अपन चलते हैं सबसे पहले FCFS पे. इसका गैंट चार्ट बनाते हैं. जीरो जीरो पे कोई प्रोसेस अराइव हुआ, सारे के सारे जीरो पे हुए. ठीक है, जैसे ही अराइवल टाइम आपका क्राइटेरिया है तो अब टाइस तो हो गए ना, पांचों प्रोसेस जीरो पे अराइव हुआ मतलब टाई हो गया. तो P1, P2, P3, P4, P5 ऐसे चलेगा क्योंकि उन्होंने बोला है आपको हर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में यही करना है. नॉर्मली हम क्या करते थे, कम बस वाले को पहले लेते थे FCFS में अगर टाई आता है, लेकिन इन्होंने बोल रखा है तो चलेगा, हमको वैसे मानना पड़ेगा. P1 10, P2 1 11, P3 2 13, P4 1 14 और लास्ट P5 590. क्लियर? नाउ आपको निकालना क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम. नाउ एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है, कंप्लीशन माइनस अराइवल माइनस बस टाइम. अराइवल सबका जीरो है तो सिंपली आपको क्या करना है, बस घटाना है. तो 10 माइनस 10 इज 0, 11 माइनस 1 इज 10, 13 माइनस 2 इज 11, 14 माइनस 1 इज 13, एंड 19 माइनस 5 इज 14. क्लियर? नाउ इट इज 5 प्रोसेसेस, 10 प्लस 11 21 प्लस 13 34 प्लस 14 48 डिवाइडेड बाय 5. क्लियर है? ये अपना FCFS का एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा. नाउ अब अपन चलते हैं SJF. पहले SJF निकाल लेते हैं. SJF क्या, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सारे एक साथ आए हैं तो P2 और P4 दोनों का बस टाइम सेम है. तो अब हम टाई को कैसे ब्रेक करेंगे, P2 पहले चलेगा एक और P4 दो. P2 कंप्लीटेड, P4 कंप्लीटेड. नेक्स्ट बस है P3 का, कितना, 2 यूनिट, दैट इज 4. P3 भी कंप्लीटेड. नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट उसके बाद P5, जिसको 5 चलना है तो 4 प्लस 5 9, और लास्ट में P1 दैट इज 10 चलना है. 19 सेम है, कोई दिक्कत नहीं. नाउ अब अपन चलते हैं एवरेज वेटिंग टाइम. P2 कंप्लीटेड ऑन 1 1 माइनस 1 इज 0. P4 कंप्लीटेड ऑन 2 2 माइनस 1 इज 1. P3 4 माइनस 2 इट्स 2. P5 9 माइनस 5 इट इज 4. एंड 19 माइनस 10 इट इज 9. है ना, यही आपका आंसर है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है. नाउ अगर मैं बात करता हूं, इट इज डिवाइडेड बाय 5. 1 प्लस 2 इट्स 3 प्लस 4 7 प्लस 9 16, अब डिवाइडेड बाय 5. क्लियर?
16 डिवाइडेड बाय 5 आपका एवरेज वेटिंग टाइम आया। तीसरा आपका है नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी। नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी के केस में इसको अपन इस साइड कर लेते हैं। नाउ अब जीरो, जीरो मतलब जीरो पे कौन आया, सारे लोग आ गए, तो अब प्रायोरिटी चलेगी। प्रायोरिटी मतलब वन सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, पी टू विल एग्जीक्यूट वन, पी टू कंप्लीटेड, उसके बाद प्रायोरिटी है पी फाइव की सिक्स, उसके बाद प्रायोरिटी है थ्री की, पी वन और पी थ्री दोनों है, तो वो जो प्रोसेस आईडी कम है उसको लेकर चलेंगे, दैट इज 16, 10 यूनिट। देन इसके बाद आपका पी कौन है, पी थ्री, सॉरी पी थ्री विल एग्जीक्यूट, दैट इज उसको चलना है दो यूनिट, दैट इज 18, और लास्ट में पी फोर 19 है ना। नाउ एवरेज वेटिंग टाइम, पी टू कंप्लीटेड ऑन वन, वन माइनस वन इट जीरो, पी फाइव कंप्लीटेड ऑन सिक्स माइनस फाइव, सिक्स माइनस फाइव, फाइव पे तो अराइव हुआ है ना, सिक्स माइनस सिक्स सॉरी बस्ट है, सिक्स माइनस फाइव इट इज वन, इसके बाद अराइव तो सारे जीरो पे हुए, पी वन 16 माइनस 10 इट सिक्स, पी थ्री 18 माइनस टू इट 16, और पी फोर 19 माइनस वन इट्स 18 है ना, सॉरी 5, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 16, 7 प्लस 16 इट्स 23, 23, 33, और 33 प्लस 8 41, 41 डिवाइडेड बाय 5, क्लियर। नाउ फोर्थ इज आरआर 2, राउंड रॉबिन 2। तो यहां पर आपको चूंकि विच इज लोएस्ट वन, तो आपको ये नंबर निकाल लेंगे, अपन पहले गैंट चार्ट बना देते फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ जीरो, जीरो पे कौन लोग अराइव हुए हैं, सारे लोग जीरो पे ही अराइव हुए हैं। जब सारे लोग जीरो पे अराइव हुए हैं, पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव इन सब को रेडी क्यू में जमाते चले गए और सारे लोग एक दूसरे के पीछे लग गए, तो रेडी क्यू नहीं भी मेंटेन करेंगे, तो सारे लोग जब एक साथ अराइव होते हैं तब राउंड रॉबिन में रेडी क्यू नहीं मेंटेन करोगे तो भी चलेगा, क्लियर। ये बात आप हर हमेशा याद रख सकते हैं। नाउ पी वन 2, पी टू 3, पी टू कंप्लीटेड, पी थ्री 5 कंप्लीटेड, पी फोर आपका क्या है 6 कंप्लीटेड, पी फाइव 8, 5 से 2 गया तो 3 बचा, इधर 10 से 2 गया तो 8 बचा, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पी वन विल एग्जीक्यूट है ना, जैसे अपन पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव ऐसा था, पी वन कंप्लीट होके पी वन यहां लग गया, पी टू कंप्लीट, पी थ्री कंप्लीट, पी फोर कंप्लीट, और पी फाइव का नंबर आया, पी फाइव रिमेनिंग, तो पी फाइव पीछे लग गया, और पी वन 10 है ना, और पी वन का अबेन रिमेनिंग है तो पी वन पीछे लग गया, पी फाइव 12 क्योंकि पी फाइव अभी सिर्फ 2 चला है, फिर 2, ऐसे करते हुए ये चलता जाएगा। मैं इसको रेडी क्यू मेंटेन करने की जरूरत नहीं है तो मैं कर भी नहीं रहा हूं। नाउ इसके बाद आपका आता है पी वन 14, पी फाइव 15, क्यों 15, उसकी वजह यह है कि आपका क्या आ रहा है, एक यूनिट ही बच रहा था, 2 + 2 + 1 15 हो गया। पी वन कितनी बार चल गया, एक बार चल गया, दो बार चल गया,
तीन बार चल गया, दो बार और चलना है 10 के लिए, तो P1 17 और P1 19 है ना। अगर यहां पर आप कॉन्टेक्ट स्विचेस गिनेंगे तो कॉन्टेक्ट स्विचेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जिसमें मैं फर्स्ट और लास्ट कंसीडर नहीं कर रहा हूं। क्लियर? नाउ अब अपन चलते हैं किसके वेटिंग टाइम पे, एवरेज वेटिंग टाइम। व्हाट इज एवरेज वेटिंग टाइम? नाउ अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले जब आप प्रीएम्प्शन हो रहा है ना, तो पहले तो सबसे लास्ट से चेक करिएगा, और वो भी प्रोसेस P1, P2, P3, P4 वाले से चेक करिएगा। जब भी हम नॉन प्रीएम्प्टिव करते हैं तो P2 एक ही बार है, तो एक बार हम लिख देते हैं। ये टाइम सेविंग के लिए मैं बता रहा हूं। P1 कंप्लीट हुआ 19, अराइवल 0 और बस टाइम आपका 10 है, तो 19 माइनस 10 इज 9। प्लस P2 कंप्लीटेड ऑन 3, 1, तो 3 माइनस 1 इट्स 2। P3 कंप्लीटेड ऑन 5, बस टाइम इट्स 2, 5 माइनस 2 इट्स 3। P4 कंप्लीटेड ऑन 6, बस टाइम इट्स 1, दैट इज 5। और लास्ट है आपका P5 कंप्लीटेड ऑन 15 और इसके बाद 15 माइनस 5, दैट इज 10 है ना, दैट इज 5। 9 प्लस 2 11 प्लस 3 इज 14, प्लस 5 19, प्लस 10 29 डिवाइडेड बाय 5 है ना। नाउ सबसे लोएस्ट आपका एवरेज वेटिंग टाइम किसका आया, दैट इज 48/5, 16/5, 41/5, 29/5। तो आप डिनोमिनेटर को तो यूज मत करो, आप सिर्फ देखो 48, 16, 41 और 29। लोएस्ट इज SJF है ना, दैट इज माय आंसर ऑप्शन सी। सबसे मिनिमम किसका एवरेज वेटिंग टाइम आया, SJF का। नॉर्मली SJF का ही आता है, बट ये समझाने के लिए SJF या SRTF है ना, जरूरी नहीं है कि SRTF SJF से नीचे चला जाए, हो सकता है दोनों बराबर दे, और ये दोनों बेंचमार्क है। क्लियर? इज देयर एनी डाउट?